ये हमने एक ट्राई कलर पीकॉक बनाया है, ये देखिए इंडिपेंडेंस डे के लिए हम ये ट्राई कलर पीकॉक बना सकते हैं, इसको डेकोरेट करके अच्छे से रख सकते हैं। तो ये हमें कैसे बनाना है ये देखेंगे। हमें क्या करना है, तीन कलर की ऐसी शीट लेके और उनकी स्ट्रिप काटनी है। स्केल की हेल्प से आप इक्वल इक्वल स्ट्रिप काटेंगे और उनको फिर बीच में से काट देंगे ऐसे इक्वल। आपको स्केल की हेल्प से इक्वल बिल्कुल उनको काटना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे तो हमारे पास एक ही बड़ी बन जाएगी। ऐसे ग्रीन वाली को भी करेंगे और ऐसे ऑरेंज वाली को भी करेंगे। हमें तीनों को फेविकोल की हेल्प से ज्वाइंट कर देंगे। ये ऐसे हम इनको ज्वाइंट कर देंगे, थोड़ी देर के लिए सूखने के रख देंगे। तो हमारे पास ये बड़ी बड़ी स्ट्रिप तैयार हो जाएंगी। ऐसे आपको उनको जोड़ देंगे। तब तक हम अपना जो मोर का है शरीर का हिस्सा उसको तैयार कर लेंगे। उनको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो मोर का शरीर का हिस्सा तैयार करने के लिए हमें, जैसे आपका ब्लू या ब्लू आपके पास नहीं है तो ऐसा पर्पल भी आपका चल जाएगा। ये आपने लिया और इस पर पीकॉक का आगे का ऐसे ड्रॉ करके हम कट कर लेंगे और इसके अंदर का बनाने के लिए, पंख बनाने के लिए कोई और कलर येलो या जो भी आपके पास हो उसको ऐसे काट के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ऊपर की कल की भी आप किसी भी कलर की शीट से बना सकते हैं। तो ये हमने मोर का ये आगे वाला हिस्सा कर दिया तैयार। जब हमारे ये सूख जाएंगी इसके बाद इन तीनों को आपस में हम ट्राई कलर की तरह ज्वाइंट कर लेंगे। सबसे पहले ऑरेंज, फिर वाइट और फिर ग्रीन, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे अच्छे से। आप जितना चौड़े आपको पंख बनाने हैं आप उतनी ही चौड़ी स्ट्रिप काटेंगे और उसके बाद इसके नीचे ग्रीन, जैसे तिरंगे में कलर होता है ऐसे आपको तीन कलर की स्ट्रिप काटनी है। इसको अच्छे से जोड़ देंगे और जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो फिर हम इसको ऐसे, जैसे आप पंखा बनाते हैं ना, ऐसे एक बार इधर मोड़ा एक बार इधर मोड़ा, इस तरह से करके हम ये ऐसा पंखा तैयार कर लेंगे। और यहाँ से इसमें स्टेपलर लगा के फिर इसको पूरा ऐसे इसके पंखे जैसा बना लेंगे। और फिर जब हमारा ये बन जाएगा तो इसके अंदर हम अपना, जैसे ये हमारा पीकॉक का जो आगे की बॉडी है इसको हम इसके अंदर ऐसे लगा देंगे। इसको फेविकोल की हेल्प से आप जोड़ लेंगे या जैसे भी आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। तो हमारा पीकॉक तैयार हो जाएगा ट्राई कलर। आप चौड़ा बनाना चाहें पंख तो बड़ी स्ट्रिप तैयार कर लें। जैसे ये हमारी स्ट्रिप तैयार हो गई तो इसको आपको पंख कैसे बनाना है, एक बार इस तरह से मोड़ेंगे और एक बार उस तरफ से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ मोड़ के पूरा इसका पंख तैयार कर लेंगे और ये आपका पीकॉक फिर तैयार हो जाएगा। इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।